साइड से ड्रेन दिया जाए। मेघालय सब डिवीजन में कोल्ड ड्रिंक की बोतल में मुबैना तौर पर फंगस जैसी एक चीज पाई गई। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कोल्ड ड्रिंक को एक ग्राहक ने मकामी दुकान से खरीदा था। जब उसने बोतल खोली तो उसने फंगस जैसी कोई चीज पाई। एसडीएम मेंढर जहांगीर खान ने बताया कि मेंढर में हाल ही में कोल्ड ड्रिंक में फंगस का मामला सामने आया है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मशरूब की मियाद खत्म हो गई हो या उसे गलत तरीके से जखीरा किया गया हो। उन्होंने कहा कि फंगस या मोल जैसे मादे लोगों की सेहत पर मनफी असर डाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में आला हुकाम को मकतूब भेजा गया है ताकि इस मामले का नोटिस लिया जाए और ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए इकदाम किए जाएं। कल जब मैंने मार्केट से बोतल लाई रियल जूस की मिक्स्ड फ्रूट, तो उसके बीच से फंगस निकला। जैसे ही मैंने ग्लास में डाला और आगे एक फंगस था, तो दो तीन मिक्स भी हुए हुए थे साथ में। एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यही पूरी तरह अच्छी चेकिंग होनी चाहिए यही जूस की, जिससे लोग ये पी के बीमार ना हो। मेरी तो यही लोगों से पहले गुजारिश रहेगी कि खुद भी और बच्चों को भी ये जो पैकेट चीज़ें हैं खासकर इन पे इनको मत दें, बच्चों को इसकी इनकी आदत मत डालें, क्योंकि इनमें प्रिजर्वेटिव वगैरह भी पड़े होते हैं, ये सेहत के लिए इतने अच्छे होते नहीं हैं। एनी हाउ, दूसरी बात, जो ये पैकेट चीज़ें हैं खासकर ये जूसेस वगैरह हैं, इसमें जो फंगस की बात आई है तो वो हम देख रहे हैं कि हमने पहले पिछले दिनों में भी डायरेक्शंस फूड सेफ्टी वालों को दी थी हमने कि वो कम से कम 15 दिन में एक बार ये एक चक्कर लगाएं और रूटीन में नॉर्मली इन चीज़ों को चेक करें कि खासकर एक्सपायर चीज़ें किसी ने कोई रखी तो नहीं है। और कभी कभार ऐसा होता है कि एक्सपायर भी नहीं होती हैं, उसके बावजूद भी जो है वो हाइजीन इतनी मेंटेन नहीं होती है, जिसकी वजह से ये फंगस वगैरह वो डेवलप हो जाती हैं। आगे बढ़ेंगे। सब डिवीजन रामसू के इलाके वादी नील के सयाती मकामात वासमर्ग वाजटागन में बड़ी तादाद में सयाह पहुंच रहे हैं, जो इलाके नील में सयाहत के नक्शे पर उभरने की जानिब से एक खुशाइन कदम माना जा रहा है। कुदरत के इंतहाई खूबसूरत नजारों से मुस्तफीद होने वाले मकामी और बैन अवी सयाहों के लिए यहाँ का तजुर्बा काफी खुशाइन रहता है, ताहम सहूलत के फकदान से इन्हें मायूसी होती है। टूरिस्ट आए इधर वासनमर्ग सुनमर्ग तक। अच्छा, कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। और हम लोगों से गुजारिश करना चाहते हैं कि यहाँ आए और देखें, अच्छा माहौल अच्छा है, मतलब टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जगह है, मतलब कोई भी आए मतलब सारे एंजॉय करें, बहुत अच्छा इलाका है। और हमसे मतलब हमसे जितना हो पाएगा हम आगे खबर पहुँचा रहे हैं कि चलो भाई हम यार हमारे नील आ जाओ। यहाँ पे बहुत अच्छी है। आज के डेट में हम नीलताप वासमर्ग की तरफ काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं और मैं डीसी साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। डीसी साहब ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया टूरिज़्म का भी। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट पिकनिक करने जाते हैं, जैसे पटन टॉप की तरफ या पटन टॉप से भी जम्मू वाली साइड या अपने कश्मीर की साइड यहाँ के आने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एरिया है जहाँ पर टूरिज़्म है और जहाँ पर लोग जो है अच्छा बेहतर जो है महसूस। फिलहाल इसी के साथ पहली खबर में इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद देखिए धार भी रफ्तार भी मेरे साथ आदा।